लेट गो एंड एम्पावर योर सेल्फ। जाने दो ऐसे इंसान को जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और अगर होता तो कभी ऐसी बात नहीं करता। हेलो एवरीवन, सो प्रॉब्लम आई एक लड़के की कि मैं 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ और ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो रहा है। लड़की अब साथ रहना नहीं चाहती है, रिलेशनशिप में भी कोई एक्साइटमेंट बचा नहीं है। मैं अपनी तरफ से हर एफर्ट कर चुका हूँ पर लड़की अब कोई एफर्ट ही नहीं कर रही अपनी तरफ से। दिन रात मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग हर्ट हो रहे हैं। मैं किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी भी काम पर, और इसके बाद भी मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और दिन रात ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, मेरे दिमाग से चीज़ें बाहर ही नहीं जा रही, तो मुझे क्या करना चाहिए? देख भाई, रिलेशनशिप में रहना और नहीं रहना ये एक पर्सनल चॉइस है, उसी तरह रिलेशनशिप को ख़त्म करके उसे लेट गो करने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का भी राइट दोनों पार्टीज़ के पास है, इवन आफ्टर कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बाद भी। तुम कमिटमेंट के नाम पे, प्रॉमिसेस के नाम पे तो किसी को बाउंड कर सकते हो, बट वो भी कुछ टाइम के लिए, बट तुम किसी के इमोशंस को अपने लिए बाउंड नहीं कर सकते, किसी की फीलिंग्स को, किसी के इंटरेस्ट को अपने लिए बाउंड नहीं कर सकते। तुम्हारा रिलेशनशिप अनफेवरेबल सिचुएशंस की वजह से, इंटरेस्ट कम होने की वजह से, या लाइफ में अलग अलग गोल्स और अलग अलग इंटरेस्ट परस्यू करने की वजह से खत्म हो रहा है, और दोनों में से अगर किसी ने एक डिसाइड कर ही लिया है इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, तो तुम अपने राइट का यूज क्यों नहीं कर रहे हो टू एंड एवरीथिंग एंड लेट गो? क्या है जो तुम्हें रोक रहा है यार? इनफैक्ट तुम्हारे पास तो बहुत जेन्युइन रीजन है कि अब इस रिलेशनशिप में कोई एक्साइटमेंट बचा ही नहीं, तो खत्म करो और आगे बढ़ो, लेट गो, जाने दो। अब लोग इसीलिए लेट गो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, एम्ब्रेस ही नहीं कर रहे कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो इंसान चेंज भी हो सकता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है, या उसके इंटरेस्ट और अफेक्शन तुम्हारी तरफ चेंज हो सकता है। तुम खुद सोचो यार, तुम जिस इंसान के साथ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक रिलेशनशिप में हो, उसका एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर भी प्रोसेस हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग फेज में तुम्हारे साथ बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट था, ठीक है, उसके बिहेवियर, उसके जेस्चर बहुत अपीलिंग थे। अब तुमने यहां पे क्या किया, गलत रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर ली कि इसका ये बिहेवियर, ये अफेक्शन, ये लव, ये केयर सब कुछ सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा हमेशा, क्योंकि ये मुझे बहुत वैल्यू करता है ये इंसान, और ये मेरे साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व है। भाई क्यों गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो यार अपने लिए, और ये बिहेवियर में चेंजेस क्यों नहीं आएंगे? और ये एक्सपेक्टेशन रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग हम बने हैं चेंज के लिए, इवॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब दो अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सनैलिटीज रिलेशनशिप में हैं, बट वो ग्रो कर रहे हैं अलग अलग एनवायरनमेंट पे, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग सराउंडिंग में, जिसकी वजह से उनके थॉट प्रोसेस, उनके पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजीज, लाइक्स, डिसलाइक्स और फेवरेट पीपल चेंज होते रहते हैं ओवर द टाइम। अब वो लड़की जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो या जिसके साथ रिलेशनशिप में आए थे, वो तब 19 से 20 साल की थी, बट आज 5 साल बाद वो 24-25 साल की हो चुकी है। तब उसकी अपनी लाइफ से डिज़ायर, डिमांड्स कुछ और थे, ठीक है। वो शायद इमोशन और रिलेशनशिप सेंट्रिक ज़्यादा थी उस टाइम पर आज उसके गोल्स हैं, प्लान्स हैं अपने करियर को लेके, या उसके पार्टनर पैरामीटर चेंज हो चुके हैं। बट अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ उसको बार बार प्रेशराइज किए जा रहे हो अपने एम्बिशंस और अपनी चॉइसेस को मोल्ड करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस आज भी वही हैं 5 साल पहले वाले। भाई अब वो इंसान नहीं है जो 5 साल पहले थी इमोशनली और मेंटली, लाइफ के नेचुरल स्ट्रक्चर ने उसको चेंज कर दिया। और अगर तुम खुद को इवॉल्व नहीं कर रहे हो और आज भी अपनी लाइफ और अपने करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप सेंट्रिक हो, तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। तुम्हें पता है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने वाला है, बट फिर भी तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, इसे खींच रहे हो आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन से, ठीक है, और लेट गो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार इससे कुछ बदल जाएगा, बट यार कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है, क्योंकि तुम एक ऐसे रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हो, एक ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हो जिसे सामने अब कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता है, और तुम खुद को इमोशनली और मेंटली हर्ट किए जा रहे हो। और अब जब तुम दोनों अलग हो ही चुके हो मेंटली और इमोशनली, तो तुम दोनों की जो कॉन्वर्जेशंस होती थी, जो कॉन्वर्जेशन बहुत फन, बहुत इंजॉइंग और बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, वही कॉन्वर्जेशन अब बहुत ऑकवर्ड और बहुत फोर्स लगने लगती है, ठीक है। तुमको ऐसा फील आने लगता है कि तुम सामने वाले से बात करके खुद को इम्पोज कर रहे हो उसके ऊपर, खुद को लाद रहे हो उसके ऊपर, या सामने वाला तुमसे बात करके बहुत बड़ा एहसान कर रहा है तुम पे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचता है कॉन्वर्जेशंस में यार। और फिर तुम ही एफर्ट किए जा रहे हो मिलने के लिए, बट सामने वाला तुमसे मिलना ही नहीं चाह रहा है, और अगर मिल भी रहा है क्योंकि तुम उसे फोर्स कर रहे हो मिलने के लिए, और
और मिल भी रहा है तो उसके बाद कितना फन, कितना सेंस ऑफ इंजॉयमेंट है, ये पूछो तुम खुद से। अब सामने वाला तुम्हें यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि वो तुम्हारे साथ अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता या कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बट उसके एक्शंस इनडायरेक्टली तुमको सब कुछ बता रहे हैं। वो अपने एक्शन से तुमको बता रहा है कि वो अब तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बट या तो तुम समझना नहीं चाहते हो या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो और घसीटे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो उसके पीछे। पर अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड क्लियरली बोल दे कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती है, तो अब तुम्हें कोई रीज़न की ज़रूरत ही नहीं है सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए और लेट गो करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। ठीक है यार, तो इमोशनल फूल बन के भागना बंद करो लोगों के पीछे या जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो उसके पीछे, और लेट गो, जाने दो उस इंसान को जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और अगर होता तो वो कभी ऐसी बात करता ही नहीं। ठीक है भाई, तो यार आज के वीडियो में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पर DM करो और या तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।